नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने बोला कि हमको सब पता है ईरान और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो चाबहार पोर्ट को लेकर के हमको सब पता है। तुम लोग ने 10 साल के लिए बोलते हैं ना, चाबहार पोर्ट पे बोलते हैं अपना ऑपरेशन करने के लिए एग्रीमेंट किया है ना, हम उस पर सैंक्शंस लगाने वाले हैं। लगाए नहीं है, वार्निंग दी है। इसके पहले भी लोग ने बोलते हैं रशिया के साथ में बोला था, वार्निंग दिया था, कुछ नहीं हुआ। चले समझते हैं। अब ये भैया, ये कौन है भाई साहब? ये है वेदांत पटेल। ये कौन है भैया? प्रिंसिपल डेप्टी स्पोक पर्सन फॉर द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट। इन्होंने बोला कि हम इंडिया के ऊपर क्या लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। अब भाई साहब, ये जो चाबहार जो पोर्ट है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बोलते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, हमको पहुंचना है ना रसिया तक, पहुंचना है सेंट्रल एशिया तक, पहुंचना है भैया यूरोप तक पहुंचना है, तो हमको उसकी जरूरत है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। अब भाई साहब, अब हम थोड़ा सा बोलते हैं ना, बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। द इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL ऑफ इंडिया एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन POMO ऑफ ईरान दोनों ने मिलकर के 13 मई को बोलते हैं एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया इंडिया 10 साल के लिए यहाँ का भी ऑपरेशन करेगा। उसके लिए इंडिया ने बोला फ्री में थोड़ी करेंगे, भैया पैसा देंगे। कितने का इन्वेस्टमेंट कर डाला? $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किसने किया है? IPGL ने। तो इंडिया ने बोला यार हम भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया ने बोला चलो हम भी एक तुमको क्या देते हैं, इन क्रेडिट विंडो देते हैं $250 मिलियन का। हम तुम्हारा इंप्रूव करेंगे, चाबहार जो रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम काम करेंगे। अब भाई साहब, इस चीज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप इमेज मैंने जो लगाई है ना, इसको आप अच्छे समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से धीरे धीरे अमेरिका का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, नहीं सॉरी, किस तरह से अमेरिका का प्रभाव दिन पे दिन घटते जा रहा है और इंडिया का प्रभाव दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। चलिए समझते हैं। अमेरिका ने लगाया सैंक्शंस ईरान के ऊपर और लगाया रशिया के ऊपर कि तुम लोग के साथ में कोई बिजनेस नहीं करेगा। इंडिया ने बोला सर हम इनसे ऑयल नहीं खरीद सकते, इनसे ऑयल नहीं खरीद सकते, आप दे दो फ्री में। तो ये बोले नहीं वो तो नहीं हो सकता, तो बोलते हम इनसे खरीदेंगे। तो ये चुप बैठ गए। तो इंडिया ने क्या किया, रशिया से ऑयल खरीद लिया। अब जब रशिया से ऑयल खरीद लिया, जब इनसे पूछा गया अरे भाई इंडिया कर रहा है सैंक्शन नहीं लगा रहे हो, तो बोले नहीं चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत है, तो कुछ नहीं बोले। बाद में अमेरिका क्या बोला अभी रिसेंट में कि हम चाहते थे कि भारत रसिया के साथ में बोलते हैं ना बिजनेस करे, रसिया से ऑयल खरीदे। हमने ही बोला था उसको चुपके से कान में कि खरीद लो, तुम लोग भाई से खाली ऐसा न्यूज में बोल रहे हैं कि मतलब मत खरीदो, धमका रहे हैं, चुपके से कान में बोले थे खरीदो कभी। अरे मतलब यार तुम कुछ भी। अच्छा, इंडिया ने कोई सैंक्शंस का डर नहीं था। इंडिया को लगा भैया जो तुमको सैंक्शंस लगाना है लगाओ, हमको कोई फिक्र फर्क नहीं पड़ता, हम खरीदेंगे भाई, हमको सस्ते भाव मिल रहा है। अब उसके साथ ही साथ देखो और ही कहानी बनते जा रही है। अब इंडिया ने क्या कर लिया, चाबहार जो बोलते हैं पोर्ट भी ले लिया है। अब वो भी तो आप बाद में आकर के बोल देना कि आप ही ने बोला था। अब बोलते हैं ना ये जो है इब्राहिम रईसी, ये क्या हुए पाकिस्तान के अंदर आए। देखो जियो पॉलिटिक्स को अच्छे समझो, यहां पे आकर के इन्होंने इसराइल को बराबरा जो भी बोलने का मन किया, इसराइल ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारा धमकी उनकी इसराइल को दिया। कहां पे आके, पाकिस्तान के अंदर आके। लेकिन जब इन्होंने बोला, ये चचा ने बोला POK के वाले टॉपिक पे बोलो, 4-5 बार बोले बोलो ना, तो इन्होंने बोला ना 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 ना, ना इंडिया के बारे में नहीं बोलेंगे। अभी देखो बोले होते तो ये डील नहीं होती थी हमारी से ना। अच्छा किए नहीं बोले, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब ये बोले अरे आप ये आप इनका तो मजा हो गया, इन पाकिस्तान में आकर के इधर बोलते हैं ना, ये बोल करके चले गए इसराइल के बारे में उल्टा पुल्टा, लेकिन इंडिया के बारे में नहीं बोले थे। ये बुलाए थे इंडिया के बारे में बोलने के लिए, लेकिन दुश्मनी इन्होंने और पाल ली किससे, इसराइल से। इसराइल बोलेगा रुको तुमको बताएंगे, ये अलग ही चल रहा है। इन्होंने बोला इसराइल को भैया हमास गाजा वाले पे थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, नेतन्याहू बोलते हैं नहीं अभी कूल डाउन नहीं, अभी सीधा अटैक करेंगे, पूरा खत्म करेंगे कहानी। अब इधर कहानी अलग चल रही है। अब ये फ्रांस में जो मैक्रोन ने कही इनका बहुत ग्रैंड वेलकम स्वागत कर दिया, रेड कार्पेट लगा दिया जिनपिंग के लिए। अब यहां से जिनपिंग बोल रहे हैं ओ चाचा सैंक्शन नहीं लगाओगे इंडिया के ऊपर। हाँ तो इस तरह से आप देखने को आपको समझ जाएगा। इस समय बोलते हैं ना फ्रांस ने भी बोला कि भैया यूरोप खत्म होने वाला है, यूएसए पे डिपेंड रहने कोई जरूरत नहीं है, फ्रांस अलग हो रहा है, इधर भाग रहा है, इंडिया अलग भाग रहा है। तुम कहाँ जाओगे लालू बाबू? चलिए आई होप सो कि आप समझ चुके हैं कि बोलते हैं ना कि इंडिया का प्रभाव किस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। अब हम ये समझेंगे कि भैया जो चाबहार जो ये पोर्ट है उसकी आवश्यकता इंडिया को बहुत ज्यादा क्यों है। तो सर ये इससे फायदा क्या होने वाला है? सर ये जो चाबहार आपने पोर्ट लिया,
मई से निकलेंगे, तन से इधर जाएंगे चाबहार को, वहां से दन 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 अफगानिस्तान से भैया पूरा पहुंच जाएंगे, बोलते हैं ना रसिया तक पहुंच जाएंगे, यूरोप तक पहुंच जाएंगे। अब उससे क्या करें, कनेक्ट करने वाले हम लोग यहाँ से यूरोप, सेंट्रल एशिया, रसिया सब कनेक्ट करने वाले हैं। देखो इधर सेंट्रल एशिया, रसिया, यूरोप सब जगह से बोलते हैं ना अच्छा खासा हम लोग ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि पहले क्या करते थे हम लोग, इस तरह से पूरा घूम घाम करके बोलते थे रसिया पहुंचते थे, अब क्या मारेंगे, सीधा शॉर्टकट मारेंगे। पाकिस्तान के से होकर के जाना सेफ तो नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां कौन बम फोड़ दे। तो ये हमारे बोलते हैं ना एक बहुत अच्छा है चाबहार पोर्ट, हमारे लिए बोलते हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इस पे ट्रेड पे हमारे क्या असर पड़ेगा, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा, और अमेरिका आगे चल करके इस पे एक्शन क्या लेने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।